लाइन ऑफ कॉलिमेशन देखिए ये जो पैरामीटर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो आपको इसे याद रखना ही है मतलब रखना ही है बहुत ही कंपलसरी टाइप का पैरामीटर है ये लाइन ऑफ कॉलीमेशन इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है ध्यान से सुनिए इट इज द लाइन इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऐसी कौन सी लाइन जो इमेजिनरी है वो है लाइन ऑफ कॉलीमेशन इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन मैं अभी आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाया है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होती कहाँ पर है देखिए ये है हमारी आई पीस और आई के बाद में लगा होता है हमारा डायफ्राम यहाँ पर अंदर होता है हमें बाहर से दिखता नहीं है एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि डायफ्राम ये आई के ज़्यादा करीब होता है कि ऑब्जेक्ट ग्लास के ज़्यादा करीब होता है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से दिख रहा है डायफ्राम यहाँ पर लगा है तो ये आई के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ग्लास लाइन ऑफ कॉलिमेशन इमेजिनरी लाइन है जो कि स्टार्ट होती है कहां से डायफ्राम के सेंटर से डायफ्राम है उसका जो इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम यहां से स्टार्ट होगी और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ग्लास इसका सेंटर जो है ऑब्जेक्ट ग्लास का इसको मैच करेगी स्टार्ट हुई यहां से यहां पर आके मैच करी और उसके बाद में आगे क्या है डेफिनेशन में एंड इट्स कंटिन्यूएशन फर्दर इसके बाद में कंटिन्यू आप किलोमीटर्स में आगे जा सकती है आगे इसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप का रिस्ट्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक के है ऑब्जेक्ट ग्लास एंड आई पीस बट लाइन ऑफ कॉलीमेशन का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टार्ट होगी हमारी डायफ्राम के सेंटर से मीट करेगी ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर पे और फिर आगे कंटिन्यू चली जाएगी ये लाइन एक इमेजिनरी होती है मैं डेफिनेशन आपको फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ लाइन ऑफ कॉलीमेशन कॉलीमेशन का स्पेलिंग है सी ओ double l i m a t i o n line of collimation it is an imaginary line joining the intersection of the crosshair of the diaphragm to the optical center of the object glass and its continuation thank you